बरौदा उपचुनाव ठेठ हरियाणवी इलाका और ग्रामीण चुनाव होने के कारण जींद उपचुनाव से अलग ही होगा। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं, पर यह हकीकत है कि दोनों को हल्के में कई सवालों के जवाब देने होंगे। यहां कांग्रेस और बीजेपी के लिए कुछ जमीनी मुश्किलें भी हैं जिनका इन्हें सामना करना होगा। कुछ वक्त पहले तक चर्चा और विकास में गुमनाम रहा बरोदा हलका अब चंडीगढ़ और दिल्ली तक गूंज रहा है। दरअसल जींद उपचुनाव से इतर बरोदा हलका ठेठ हरियाणवी और जाट बाहुल वोटर्स होने के कारण जंग का मैदान बनता जा रहा है। 52 गांव के 1,72,000 वोटों का गणित भी यही बताता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा, पर दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदियों बीजेपी और कांग्रेस की अपनी जमीनी मुश्किलें भी हैं। पहले बात कांग्रेस की। बरोदा में कांग्रेस की मुश्किलें ये हैं कि सरकार बीजेपी जेजेपी की है। ज्यादातर जाट वोटर्स हुड्डा को अपना नेता मानते हैं, पर यह भी हकीकत है कि हुड्डा के वक्त में भी बरोदा का विकास नहीं हुआ। अगर जातीय समीकरण हावी हुए तो फिर गैर जाट वोटर भी हुड्डा के कारण कांग्रेस से बिदक सकता है। क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी है, ऐसे में पार्टी के अंदर हुड्डा के प्रतिद्वंदी नहीं चाहेंगे कि बड़े चौधरी की जय जयकार हो जाए। इनेलो और जजपा भी हुड्डा की ताकत बढ़ता नहीं देखना चाहेंगे। यानी अभी तक 21 होने के बावजूद कांग्रेस की परेशानियां हुड्डा की परेशानियां बनी हुई हैं। विकास नाम की कोई चीज देगा नहीं और नहीं इलेक्शन टाइम पाते हैं, बाकी सब ढकोसले हैं। जो चुनाव हो वो सत्ता पक्ष में जा रहे हैं, चाहे काम हो या ना हो, क्योंकि सारा प्रशासन सरकार का हो है तो सत्ता पक्ष में जा रहा हो। अलग ये होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हुड्डा की छाप है, अलग कम हुड्डा को बनाने की कोशिश करेंगे। और बात अब अवसर की ताक में बैठी बीजेपी की। बीजेपी जेजेपी की सबसे बड़ी परेशानी आज किसानों की नाराजगी है। हलके के 1,70,000 वोटर्स में से 90,000 जाट समाज के लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, ऊपर से हुड्डा फैक्टर। सवाल बीजेपी से भी होंगे, आपने 6 साल में क्या कर दिया। दरअसल बरोदा ठेठ हरियाणवी इलाका है, शहरी और ग्रामीण इलाके की चुनावी राजनीति में फर्क है। आपको पते की बात बताते हैं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वीपी सिंह ने बोफोर्स तोप में दलाली का मामला उठाया, तब चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के गांव में ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने तोपों में कमीशन खाया है। चौधरी देवीलाल ने ये प्रचार किया कि कांग्रेस ने नकली तोपे खरीद ली हैं, ये नकली तोपे फौज में भर्ती मारे छोरों की जान ले लेंगी। बस फिर क्या था, ग्रामीणों में नकली तोपों का प्रचार हुआ और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनता चला गया। और आज किसानों के कृषि बिलों पर भी यही हो रहा है, नेता अपने हिसाब से वोटर्स को घुमाते और लुभाते हैं। किसान अपनी बात अपना हित खुद समझता है, देखता है, बहुत जागरूक किसान है और किसान ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको केवल बरगलाया है, उसके सामने झूठ बोला है। कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, कहा था कि आमदनी दुगनी करेंगे, 2022 तक अब कितनी दुगनी कर देंगे आप सोच सकते हैं। और हाँ, 2019 के विधानसभा चुनाव याद है ना, बीजेपी ने 70 का नारा दिया था, बीजेपी के एक सांसद तो हवा में और उछल गए, बोले 70 नहीं 85 की बात करो। परिणाम आए तो बीजेपी 40 पर सिमट गई, इसकी वजह सीधे सीधे जाट ही थे। कैमरामैन संदीप नामुंडा और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।